So students, welcome to our channel eduentainment. So students, हम आज part 2 करेंगे chapter 4 quadratic equations का. और आज का जो हमारा topic है वो है solving quadratic equation by completing square. ये हमारा method है. Quadratic equation solve करने का ये method है. कैसे करना है ये? तो पहले एक example ले लेते हैं. Example. Textbook का ही है ये. क्या है example? 3x square minus 5x plus 2 equals to 0. ये हमारा है example. अब इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले हमने पहले वीडियो में हमने स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. अब कैसे सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये मैं हमको मेथड यूज करनी है. सो स्टूडेंट्स, ये सम सॉल्व करते हैं, एग्जांपल सॉल्व करते हैं बाय कंप्लीटिंग मेथड. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद सम जोश. हाउ इज द जोश? हाय सर. हाउ इज द जोश? हाय सर. आई सेड हाउ इज द जोश? हाय सर. सो स्टूडेंट्स, अब ये कैसे सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो ये अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पढ़ाता हूं, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा. फर्स्ट स्टेप जो है, हमको किसी भी ऐसे इक्वेशन दिया हुआ, पहले हमको ये चेक करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ, हमको जो x स्क्वायर दिया हुआ है ये, इसका जो कोएफिशिएंट है उसका जो रूट है वो परफेक्ट रूट है कि नहीं. अभी 3 का रूट क्या है, 1.71, तो वो परफेक्ट रूट तो हुआ नहीं. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप कि इसका x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे एग्जांपल के लिए, माइनस 5x, 3 से ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन भी नहीं है, इक्वल्स टू 0 इंटू 3 दोनों साइड. ठीक है, क्या होगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और 9 का रूट क्या है, 3, तो हमको परफेक्ट रूट मिल गया है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का. ये हमारा पहला स्टेप. ओके, तो इक्वल्स टू लिख लेता हूं मैं, 9x स्क्वायर 3 5 15x प्लस 3 टू 6 इक्वल्स टू 0. ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हो गया, सॉरी. अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि हमको परफेक्ट लास्ट टर्म फाइंड करना है. उसका क्या मीनिंग हुआ कि जैसे ही मैं वो लास्ट टर्म फाइंड करूंगा तो मुझे एक परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा. तो उसका मैं वो आगे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे मिल जाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है लास्ट टर्म, एलटी मतलब लास्ट टर्म इक्वल्स टू एम टी द होल स्क्वायर, एम टी मतलब मिडल टर्म, अपॉन 4 इंटू एफ टी मतलब फर्स्ट टर्म. ठीक है, इक्वल्स टू लास्ट टर्म हमको फाइंड करना है. मिडल टर्म क्या है, माइनस 15x, तो माइनस 15x द होल स्क्वायर. ठीक है, अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है, 9x स्क्वायर. ठीक है, इक्वल्स टू, अब क्या होगा, किसको हम लिख सकते हैं, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 15 इंटू 15 एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 9x स्क्वायर. ठीक है, ये एक्स स्क्वायर कैंसल हो गया. ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा 3 3 जा 9. ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 3 5 जा 15. ठीक है, या लिख लेते हैं, ये 4 कैंसल नहीं होगा, सॉरी, हमारा आ जाएगा 25 अपॉन 4. ये हमारा क्या है, लास्ट टर्म. ठीक है, ये हमको फाइंड करना है, ये हमारा सेकंड स्टेप हुआ. अब हम आगे बढ़ते हैं, ये सब ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, लिख लें नोट में, ये टेक्स्टबुक में ऐसा फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, ये फॉर्मूला से आप करेंगे तो इजी रहेगा. मतलब टेक्स्टबुक में थोड़ी हल्की अलग मेथड यूज की है, पर ये जो किया है वही टेक्स्टबुक में किया है, पर मेथड अलग यूज की है, तो आप वो देखना चाहेंगे तो आप टेक्स्टबुक जरूर पढ़ लेना, पर ये ज्यादा मेरे हिसाब से इजी रहेगा. ओके स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, देयरफॉर लास्ट टर्म हमको मिल गया, तो हमको क्या करना है, 9x स्क्वायर माइनस 15x, लास्ट टर्म क्या है, 25 बाय 4, तो प्लस 25 बाय 4 माइनस 25 बाय 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 0. प्लस 25 बाय 4 किया तो माइनस करना ही पड़ेगा, तो इक्वेशन जो का ट्यो. ठीक है, अब क्या इसको ब्रैकेट कर लेना है. अब आप इसको नोटिस करेंगे तो हमको ये परफेक्ट स्क्वायर मिल गया है, सीधा कुछ ज्यादा सोचना नहीं, सीधा लिख लेना इसका रूट मतलब 3x, और इसका रूट क्या होगा, ये बीच का साइन, और इसका रूट क्या है, पाई बाई 2 द होल स्क्वायर. अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, माइनस 25 और 4 6 जा 24 अपॉन 4 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब क्या हमको क्या मिला, ये ऐसे ही रखते हैं, 3x माइनस 5 बाई 2 द होल स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब 1 बाय 4 ये साइड चला जाएगा, तो ऊपर का रब कर लेता हूं मैं,
अब क्या करना है स्टूडेंट्स, माइनस वन बाय फोर को यहां से राइट हैंड साइड ले जाओ, तो 3x माइनस 5 बाय टू, माफी चाहूंगा मैं बैकग्राउंड नॉइजेस के लिए, द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय 4, ठीक है, माइनस 1 बाय 4 यहां पे राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस 1 बाय 4। अब क्या करना है, इसको भी रब कर लेते, अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर, अब स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 5 बाय 2 इक्वल्स टू अंडर रूट 1 बाय 4। अब अंडर रूट 1 बाय 4 का 2 होगा, दो टर्म, दो हमको टर्म मिलेंगे, क्या 3x माइनस 5 बाय 2 इक्वल टू प्लस और माइनस 1 बाय 2, रूट करेंगे तो हमको प्लस और माइनस दोनों ही मिलेगा, ठीक है। अब क्या कर लेंगे कि एक साइड प्लस और एक साइड माइनस वाला रख लेंगे, तो 3x माइनस 5 बाय 2 इक्वल्स टू 1 बाय 2 और 3x माइनस 5 बाय 2 इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 2, ठीक। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे, तो 3x इक्वल्स टू 1 बाय 2 प्लस 5 बाय 2 और 3x इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 2 प्लस 5 बाय 2, ठीक है, ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 6 बाय 2 और 3x इक्वल्स टू ये हमारा जाएगा 4 बाय 2 विच इम्प्लाइज 2 विच इम्प्लाइज 3, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2 बाय 3, तो हमको क्या मिला x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2 बाय 3। तो देखा स्टूडेंट्स कितना ये इजी मेथड है और आराम से आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये मेथड आपने मैंने जो समझाया आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। फॉर्मूला याद रखना है, लास्ट टर्म इक्वल्स टू मिडल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म, वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बाकी तो सिंपल जाना है, मैथमेटिक्स का रूल अप्लाई करना है, स्क्वायर बनेगा इस साइड स्क्वायर को ले जाएंगे तो प्लस और माइनस होगा, फिर आप एक्स की वैल्यू 2 आपको मिल जाएगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 एक्स की वैल्यू होगी। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे ये इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब करो यार। सो स्टूडेंट्स अभी के लिए बाय बाय, और आपके लिए मस्ती टाइम।